I'm expert in bargaining. और ये हो गया था नेक्स्ट डे। तो अब्दुल समी जो समद है, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, उसका छोटा भाई, उसका बर्थडे था। तो ये हमारे पास ऐसे नॉर्मल केक था जो हमने ट्रैवलिंग में खाने लिया था, तो हम वो कट कर रहे हैं। अरे खिलाओ सबको, पीछे उधर है, उधर है, उधर है। अब आते चलो, ये लो पकड़ो, खूब वीडियो दो लो हम लोग का। थैंक यू। और ये हम निकल चुके हैं साराजंग म्यूजियम के लिए, लेकिन हमारा हो गया था पचका। कितना टाइम लगेगा अभी यहाँ से पहुँचने, और वो घंटा कितने बजे का है? वहाँ घंटा बजता है ना कुछ म्यूजियम में, टाइमर कुछ है नहीं है। और साराजंग म्यूजियम जो था वो बंद था हमें पहुँचने के बाद पता चला। तो हम वहाँ से नियर बाय बाय वॉक डिस्टेंस पे चार मीनार है, तो हम चलते चलते पहुँच गए चार मीनार। कौन सा ये? तुम ब्लू वाला लाइन ही ना, वो वाला नहीं नहीं है हमारे पास, सेम है। और हमने यहाँ से ये बैग लिया, ये मुंबई में भी मिलता है पर मुंबई में चार मीनार बना हुआ और लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ये ले लिया। चलो आगे का लो, तुम कैमरामैन लो मेरे। लाइन देखो, लाइन लाइन। और ये वहाँ पर लाइंस लगी थी, वहाँ पे मंदिर भी है तो वहाँ पे कुछ था, और फ्राइडे का दिन भी था तो नमाज के लिए भी। उधर पीछे मस्जिद है जो मक्का मस्जिद है हैदराबाद की, तो दोनों जगह काफ़ी लाइंस और काफ़ी रश था। तो मम्मी लोग यहाँ पे है और बैंगल्स एंड ऑल देख रहे हैं। क्या देख रहे हो तुम लोग?
कैमरामैन कहाँ हो आप? वीडियो चालू है। सही है। सना के साथ बिजी था। जय हिंद। ये तो भैया दिखाइए। कितना बोलो ना भाई, कम करो ना, ज्यादा ले लो। No bargaining. Why no bargaining? I'm expert in bargaining. लिखने से क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता लिखने से। हम यहाँ आ सकते हो बैंगल्स वगैरह? भाई bargaining नहीं कर रहे, आगे देखेंगे। पेशा मस्जिद है, मक्का मस्जिद हैदराबाद से अजान हो रही मक्का मस्जिद। यहाँ पे फेमस होती है बैंगल्स, हमें लेना है बैंगल्स, लेकिन आराम से इंशाल्लाह कल भी देखेंगे। आज भी कल फिर हम लोग वापस फिर आएंगे। आज पचका हुआ इसमें चार मीनार आ रहे हैं नजदीक, कल फिर आएंगे और सुकून से बैंगल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ हम गए थे पानी पूरी खाने। सच में मुंबई जैसी पानी पूरी कहीं नहीं है, टू बी हॉनेस्ट। ये कुछ और ही बोल रहे थे, डिफरेंट पानी का डिफरेंट पैसा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप लोग सुनिए, मीठे पानी की तो नहीं, पानी के तो पानी पूरी में कौन सा पानी आएगा? पानी तो पूरी के अंदर ही आती है, तो फिर आप अलग पैसा क्यों बोल रहे हो? वही तो पूछ रहे हैं। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया तो मैं वहाँ से हट ही गई। फिर हमने आगे जाके समोसा खाया। We are trying Hyderabad ka samosa. Kaisa hai? Mast.
इसको सब चीज मस्त लगती नाइस है। अरे आराम से खा ले यार, बस दूसरा से भी पकड़ सकता था। मेरा शूट करने के लिए बेचारा तो जल्दी निकल गया। चटनी नहीं है अंकल कुछ? अच्छा पीस के 6 समोसे। तो बस ये था हमारा हैदराबाद में एक्चुअल में डे 3, क्योंकि डे 2 जो था वो हमारा दावत में चला गया था। तो ये डे 3 था एक्चुअल में, तो हमारा पचका हो गया था, हम म्यूज़ियम नहीं जा पाए। तो हम नियर बाय सब मार्केट एंड ऑल है, ये सब हमने देखा, घूमा फिरा, कुछ कुछ चीज़ें ली, ज़्यादा कुछ नहीं ली क्योंकि फिर से आना था। तो हमने थोड़ा बहुत चीज़ें ली और हम फिर चले गए घर, और फिर डिनर की दावत थी। तो मैंने जैसे आपको फर्स्ट व्लॉग में बताया था हैदराबाद के, कि मैं घर घर ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ। फिर हमने गन्ने का जूस पिया। यहाँ पे भी ना ये लोग एड़ा बना रहे थे कि वो ग्लास जंबो ग्लास दिखा है और छोटे ग्लास में दिया है, आई डोंट नो। सो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में हैदराबाद के ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा है। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में बहुत जल्द। नेक्स्ट व्लॉग आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए भी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।